नमस्कार, मैं हूँ अमिता। अमिता किचन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं बैगन फ्राई बनाने जा रही हूँ, जिसे बैगन भाजा भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसे बनाने के लिए जो है हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए हम देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बैगन, ये मैंने अपने गार्डन से तोड़ी हूँ। ये हमारे गार्डन में काफी जो है उगा है, इसलिए मैं गार्डन के ताजे बैगन को अभी तोड़कर लेकर आई हूँ और इसका उपयोग कर रही हूँ। तो दो से तीन जो है यहाँ पे बैगन, एक बड़ा चम्मच बेसन, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से और तेल जो है दो से तीन बड़े चम्मच। तो चलिए अब हम इसको मैरिनेट करेंगे बैगन को कट करके, और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। आइए अब हम बैगन को कट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक बैगन ली हूँ और इसको मैं कट करूंगी इस तरह से। थोड़ा सा आधा इंच के जो है सर्कल में हम इसको काटते जाएंगे इस तरह से। अच्छी शार्प जो है चाकू जो है आप जो है लेकर जो है इसका उपयोग करें, और साथ ही जो है हम इस तरह से इसको बैगन को जो है कट करके इस वाला चाकू, ये चाकू जो उतना शार्प नहीं है, मैं दूसरा चाकू यूज कर रही हूँ। इस तरह से आप जो है इसके ऊपर रखकर काट सकते हैं, नहीं तो आप जो है इस तरह से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। नाइफ जो है अच्छी तरह से हमारा जो है शार्प होना चाहिए, और ये बैगन का आउटर पोर्शन जो है बहुत ही चिकना होता है, इसके कारण जो है थोड़ा काटने में जो है इसमें परेशानी हो रही है। तो इस तरह से हम इसकी कट कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा बैगन भी जो है कट कर लूंगी। आपको जितना जो है बैगन जो है उपयोग करना है उसी के हिसाब से जो है आप इसको इसकी कटिंग करिए। वैसे राउंड शेप में ये देखिए कितना अच्छा कट हुआ है। आप अपने जो है हिसाब से जो है इसको पतला या मोटा जो है रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको कट कर ली हूँ। इस तरह से सब जो है बैगन को, दो बैगन को बस मैं अभी कट करूंगी, और कट करने के बाद जो है हम इसको मैरिनेट कर देंगे। ये देखिए सारे बैगन कट चुके हैं इस तरह से। अब मैं इसको एक बाउल में सब डाल देती हूँ इस तरह से। अब इस बाउल में हम सब बैगन को डाल देते हैं, और इसके बाद जो है हम सारी चीजें जो है मैरिनेशन की सारी चीजें इसमें वन बाय वन डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर। हम चाट मसाला पाउडर डाल रहे हैं तो उसमें जो है नमक रहता है, इसलिए हम नमक जो है अधिक नहीं डालेंगे। और साथ ही गरम मसाला पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है। यदि आप चाहते हैं तो गरम मसाला डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। इसमें मैं आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, या उससे भी कम आप अपनी इच्छा के अनुसार डालिए। और साथ ही इसमें बेसन भी डालेंगे, जिससे हमारा जो है बैगन जब हम इसको जो है तलेंगे तो बहुत ही अच्छा क्रिस्प बनेगा। ये देखिए इसे हाथ की सहायता से अच्छी तरह से हम मिला लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो पहले सारे मसालों को मिलाकर रखेंगे रखिए और उसके बाद बैगन डाल के मिलाइए, लेकिन मैं इसी तरह से मिलाती हूँ। तो ये इस तरह से अच्छी तरह से, ये देखिए अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब इसको जो है हम हल्के तेल में जो है फ्राई करेंगे। आइए अब हम बैगन को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस ऑन कर ली हूँ, उसके ऊपर एक पैन नॉन स्टिक पैन रख ली हूँ। अब इसमें दो से तीन बड़े चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। हम ज्यादा ऑयल यूज नहीं करेंगे, मैं सिर्फ दो बड़े चम्मच इसमें तेल डाल रही हूँ। अब जो मैंने मैरिनेट करके बैगन जो है ये गर्म हो चुका है तेल, अब मैरिनेटेड बैगन को हम इसके ऊपर जो है डालकर इस तरह से तलने के लिए रख देंगे। जितने बैगन इसमें आएंगे हम इसके अंदर डाल देंगे।
ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, इसमें ज्यादा देर नहीं लगता। बाकी इतने ही बैगन इसमें आएंगे, बाकी बैगन जो है हम बाद में तलेंगे। आप चाहें तो इसको जो है कवर भी कर सकते हैं, जिससे जो है ये बैगन जो है जल्दी जो है पक जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जो है मैं इसे थोड़ी देर के बाद जो है इसे हटा दूंगी। तो इससे क्या है बैगन जो है अच्छी तरह से पक जाएगा, और फिर हम जो इसको टर्न करते हुए जो है गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से मैं इसको हटा लेती हूँ। अब इसको फ्राई जो है हम मीडियम टू लो फ्लेम में ही करेंगे, तो बैगन जो है अच्छी तरह से फ्राई होगा। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगा हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया और ये पक भी गया। इस तरह से हम इसको पलट कर, ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और इस रेसिपी को जो है आप जो है हेल्थ वेट लॉस करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नॉन स्टिक पैन में 1/2 से 1 टीस्पून जो है आप जो है तेल डालिए, और इसी प्रकार से आप बैगन तलकर अच्छे ढेर से मात्रा में जो है यूज करिए, तो आप वेट लॉस भी जो है आराम से आपका वेट लॉस हो जाएगा, और उसके साथ आपको कोई कार्बोहाइड्रेट और नहीं लेना है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्प हो गया है, और कलर भी बहुत अच्छे से आया है, और पक भी गया है ये। ये पक गया है कि नहीं इसको देखने के लिए मैं ये कांटा चम्मच उपयोग करके, देखिए आराम से चला गया, और इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्प हो गया। इसी तरह से हम सारे बैगन जो है तल लेंगे, और इसको जो है मैं प्लेट में एक प्लेट में इस तरह से निकाल लूंगी, और बाकी बैगन जो है हम इसी तरह से बचे हुए ऑयल में जो है हम तल लेंगे। पलट लेती हूँ मैं अच्छी तरह से, फिर उसके बाद निकाल लेते हैं। और इस तरह से हम और बाकी बैगन जो हमारा बचा है उसे हम इसी तरह से डालकर तल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से तलकर तैयार है। बाकी बैगन जब तल जाएगा तब फिर मैं आपको शो कर दूंगी। ये देखिए हमारे सारे बैगन तलकर तैयार हैं, जो बहुत ही क्रिस्पी दिखाई दे रहा है, और साथ ही बहुत ही टेस्टी है। ये हमारा क्रिस्पी मजेदार जो है बैगन भाजा बनकर तैयार है। आप इसे इसी तरह खा सकते हैं, या दाल चावल के साथ जो है आप इसे सर्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। साथ ही मेरे चैनल के नीचे दिए गए लिंक में जाइए, उसे क्लिक कीजिए, और मेरे अमेजॉन स्टोर से अपनी मनपसंद चीजें परचेज कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।